इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। कलेक्टर मनोज पुष्प की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के मिनी संवाद कक्ष में वायुसेना के अधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन के संबंध में बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता होती है तथा वायुसेना के समन्वय, सहयोग व संपर्क से प्राकृतिक आपदा का बेहतर प्रबंधन कर और बचाव कार्य का प्रभावी क्रियान्वयन कर लोगों को राहत दी जा सकती है। प्राकृतिक आपदा के समय वायुसेना के बचाव दल को जिन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान महाराष्ट्र से आए वायुसेना के एयर विंग कमांडर सुकांतो दत्ता और उनकी टीम के सदस्य अतिरिक्त कलेक्टर के सी भोपचे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह, SDM सुधीर कुमार जैन, अन्य अधिकारी उपस्थित थे। शुक्रवार को नगर निगम द्वारा मुख्यालय जोन में जलकर जमा न करने वालों पर बड़ी संख्या में कार्रवाई की गई, जिसमें 4 नल कनेक्शंस एवं एक अवैध नल कनेक्शन, कुल 5 नल कनेक्शंस काटे गए। इसके साथ ही कुकड़ा जगत जोन के खजरी में 2 तथा चंदनगांव जोन में 2 नल कनेक्शंस को काटा गया। कार्रवाई में ऐसे कुल 9 जलकर जमा न करने वालों पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई में राजस्व निरीक्षक धर्मेंद्र माहौरे, ऋषभ स्थापक, मनोज पवार एवं पवन सोनी सहित वार्ड ARI एवं जलकर वसूलीकर्ता शामिल रहे। वाहनों की मिल रही लिखित शिकायतों पर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों को देखते हुए परिवहन जांच दल द्वारा अमरवाड़ा चौरी मार्ग पर सवारी बसों, ऑटो रिक्शा एवं सभी प्रकार के यात्री वाहनों सहित अन्य सभी छोटे बड़े वाहनों की फिटनेस संबंधी बारीकी से जांच की गई और वाहनों के समस्त दस्तावेजों की जाँच के साथ वाहनों के परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र सहित जरूरी दस्तावेजों की जाँच की गई। इस दौरान वाहनों पर तत्काल चालानी कार्रवाई करते हुए 11 वाहनों से ₹22,000 जुर्माना लिया गया। साथ ही अन्य वाहन संचालकों को समझाइश दी गई। संक्रांत आने के पहले पतंगबाजी शुरू हो गई है, लेकिन चाइनीज मांझा लोगों के लिए जानलेवा बन रहा है। मंगलवार को मारई निवासी एक युवक की बाइक से घर जाते समय रेलवे स्टेशन से पुराने कुंडेपुरा थाने के बीच पतंग के मांझे ने उसकी गर्दन काट ली, जिससे बाइक सवार की गर्दन में गहरा घाव आ गया। जानकारी के अनुसार मारई निवासी सतीश यादव अपनी बाइक से वापस घर की तरफ लौट रहा था। इसी दौरान रेलवे स्टेशन और पुराने कुंडेपुरा थाने के बीच चाइनीज मांझे से उसकी गर्दन कट गई और उसके गले से खून की धार बहने लगी। खून बहता देख युवक अपनी बाइक समेत गिरकर बेहोश हो गया, जिसकी सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों के मुताबिक युवक की गर्दन पर जख्म के गहरे घाव हैं, कुछ दिन उसे अस्पताल में ही रखा जाएगा। नगरपालिक निगम द्वारा लगातार अवैध कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। निगम आयुक्त द्वारा चिन्हित 23 कॉलोनाइजर्स पर FIR के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद भी लगातार अवैध कॉलोनियों के लेआउट हटाने का कार्य निगम अमले द्वारा किया जा रहा है। आयुक्त राहुल सिंह के निर्देश पर निगम अमले ने एक ही दिन में एक के बाद एक 4 कॉलोनियों के लेआउट को ध्वस्त कर दिया। शुक्रवार को हुई इस कार्रवाई में भूमि स्वामी मुमताज, पति शाबिर खान के खजरी पेट्रोल पंप के सामने एवं अब्दुल करीम तथा दलजीत सिंह उर्फ बाबू सिंह के परतला काराबोह स्थित अवैध कॉलोनियों के लेआउट को हटाया गया। इसके साथ ही इनके प्रकरण तैयार करने एवं नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश आयुक्त ने दिए। कार्रवाई के दौरान उपयंत्री भानु प्रताप सूर्यवंशी सहित अन्य निगम कर्मचारी उपस्थित रहे। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में। क्लिनिक में आप पाएंगे OPD, IPD, NICU सुविधाएं, नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज, बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया। डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9993585888 8827420004। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय,
पाटनी पेट्रोल पंप के पास छिंदवाड़ा। पांडुर्णा में पुलिस एवं पत्रकार के नव वर्ष मिलन समारोह का आयोजन पुलिस विभाग द्वारा गुरुवार शाम को किया गया। इस दौरान पुलिस विभाग में मुख्य उपस्थित कलेक्टर अजय देव शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार त्रिपाठी की रही। वहीं आयोजन में क्षेत्र के पत्रकार एवं पुलिस विभाग के कर्मचारी अपने परिवार के साथ उपस्थित हुए। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार त्रिपाठी द्वारा हिंदी सिनेमा का गीत गाकर उपस्थित श्रोताओं का मन मोह लिया, जिसके बाद एडिशनल एसपी नीरज कुमार सोनी, एडिशनल एसपी छिंदवाड़ा अवधेश प्रताप सिंह ने भी गीत के माध्यम से शानदार प्रस्तुति से समा बांधा। वहीं एसडीओपी पांडुर्णा राकेश पंद्रे ने गिटार बजाकर सुंदर प्रस्तुति दी। नगरपालिक निगम में राजस्व शाखा की विस्तृत समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें आयुक्त ने जोन अनुसार राजस्व संग्रहण की समीक्षा की, जिसमें उन्होंने संपत्ति कर में अपेक्षा से कम वसूली की समीक्षा की, जिसमें ई नगरपालिका वेबसाइट के अवरुद्ध होने पर ऑफलाइन रसीद काटने के निर्देश दिए। जलकर की समीक्षा के दौरान आयुक्त ने एक वर्ष से अधिक बकायादार उपभोक्ताओं के नल कनेक्शन विच्छेद करने के निर्देश दिए। दुकान किराया एवं प्रीमियम वसूली की समीक्षा भी आयुक्त राहुल सिंह ने की, जिसमें आयुक्त ने नई दुकानों के प्रीमियम जमा न करने वाले दुकानदारों पर लगातार कार्रवाई करते हुए तालाबंदी एवं सीलिंग करने के निर्देश दिए। लावा घोगरी के जंगल में पिछले वर्ष 30 जुलाई को अज्ञात व्यक्ति की सिरकटी लाश मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसका खुलासा देर शाम कंट्रोल रूम में किया गया, जिसमें पुलिस ने बताया कि जमीनी विवाद के चलते 40,000 रुपयों में मृतक मानिक लाल की सुपारी दी गई थी, जिसकी योजनाबद्ध तरीके से आरोपियों ने मानिक लाल का पीछा करते हुए जंगल में दबोच लिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और आरोपी सिर अपने साथ ले गए थे, जिसके बाद पुलिस ने टीम गठित कर आरोपियों को पकड़ा और पूछताछ की, जिसमें मनीष राम, किश्नु भोसम, मुफत लाल शीलू, ओम प्रकाश नर्रे, श्रीदास ध्रुवे ने जुर्म करना कबूल किया। जानकारी प्राप्त हुई कि चार लोगों ने इसकी मिलकर के हत्या की है। इन सब चारों को अभिरक्षा में लेकर के जब पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार किया और इन्होंने जो वेपन्स थे और मृतक की बाइक नहीं मिली है अभी तक, बाइक सिर उसका और जो हथियार है, उस समय बारिश का समय था, जुलाई का मौसम था, कान्हा नदी के पुल के पास उन्होंने फेंक दिया था। परासिया रोड स्थित षष्ठी माता मंदिर बर्मन के मैदान में बॉम्बे ट्रेड फेयर एंड प्रदर्शनी छिंदवाड़ा महोत्सव मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें शहर वासियों को संपूर्ण शॉपिंग की रेंज एक छत के नीचे मिलती है। प्रदर्शनी में ग्राहकों को खादी कपड़े, बनारसी साड़ी, कश्मीरी कपड़े, फर्नीचर, क्रॉकरी, कारपेट, मुंबई की फैंसी ज्वेलरी, बच्चों के खिलौने, लेडीज पर्स, कंगन, चूड़ी आदि वैरायटी एग्जीबिशन में उपलब्ध है। और यदि आप खाने के शौकीन हैं तो मुंबई की भेल, चाट, गुपचुप, पॉपकॉर्न, कैंडी, आइसक्रीम, जूस, स्मोक बिस्किट्स, नूडल, शुगर कैंडी, साउथ इंडियन डिशेज, आइस गोला का स्वाद चखते ही बनता है। बॉम्बे ट्रेड फेयर एंड प्रदर्शनी के मीडिया पार्टनर जबलपुर एक्सप्रेस और EMS TV हैं।